Hello everyone. Today I will teach you about essay the cow. गाय की रचना के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट है the cow is a domestic animal. एनिमल means जानवर. गाय एक पालतू पशु है ना, जिसको सब घर में पालते हैं. दूसरा है it has a very big body. इसका शरीर बहुत बड़ा होता है. थर्ड है इट हैज टू आईज. इसके दो आंख होते हैं, है ना, आप लोग देखे हैं. फोर है इट हैज टू ईयर्स. इसके दो कान है. इट फाइव है इट हैज टू हॉर्न्स. हॉर्न्स मीन्स होता है सिंग. इसके दो सिंग होते हैं. सिक्स है इट हैज फोर लेग्स. इसके चार पैर होते हैं. सेवन है इट हैज अ लॉन्ग टेल. इसकी एक लंबी पूंछ होती है. एट है इट हैज अ लॉन्ग नोज एंड माउथ. इसकी एक लंबी नाक है और एक मुंह है, है ना, आप सब देखे हैं. और ये बहुत से कलर में भी होते हैं, उसको आप लंबा लिख सकते हैं, है ना. नाइन है इट गिव्स अस मिल्क. यह हमें दूध देती है. टेन है द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड चाप. गाय हरी घास और भूसा खाती है. 11 है, 11वां नंबर है द हिंदूस वर्शिप इट. हिंदू इसकी पूजा करते हैं. 12 है वी कॉल हर गौ माता. इसको हम क्या बोलते हैं, गौ माता के रूप में बोलते हैं और इसकी पूजा करते हैं. आप ये छोटे बच्चों के लिए है ना, क्लास 2, 3, 4 वालों के लिए है. 5 वाले भी लिख सकते हैं. और जैसे 6 to 8 है उसके लिए बड़ा साइज में लिखना है, तो आप उसको भी वो पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे ना. इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिमेम्बर कीजिए. ओके, बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे.